होम साइंस कॉलेज में चल रही अनियमितताओं एवं रिजल्ट में लापरवाही के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर होम साइंस कॉलेज में प्रदर्शन किया। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार कई वर्षों से रिजल्ट में लापरवाही की जाती है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कई छात्राओं को प्रैक्टिकल परीक्षा में कम नंबर दिए जाते हैं, जिसके कारण वह छात्राएं उस विषय में फेल हो जाती है। कई बार कॉलेज प्रबंधन को इस मामले से अवगत कराया गया और लगातार एनएसयूआई द्वारा इस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बाद भी कॉलेज प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से छात्राओं को राहत नहीं दी जा रही। वहीं बारिश के चलते कॉलेज की बिल्डिंग का छज्जा भी गिर चुका है, जिसको लेकर कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन दिया गया है। दो दिन पहले कॉलेज का छज्जा गिरकर नीचे आ गया था। गनीमत यह रही कि कोई भी छात्रा वहां पर मौजूद नहीं थी, जिसके कारण किसी प्रकार की बड़ी घटना नहीं हो सकी। वहीं पूरे मामले में एनएसयूआई की देवकी पटेल ने बताया कि लगातार कॉलेज प्रबंधन द्वारा जिस प्रकार छात्राओं को परीक्षा में फेल किया जा रहा है, वह सरासर गलत है, जिसको लेकर लगातार एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा कॉलेज प्रबंधन का विरोध किया जा रहा है। उसके बाद भी कॉलेज प्रबंधन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अगर 15 दिन के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो छात्र संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब देखते आ रहे हैं, होम साइंस में लगातार प्रदर्शन हम करते आ रहे हैं और हर साल का कॉलेज का रूल है कि बच्चों को फेल करना ही है हर साल में। जैसे कि ये एमएससी के बच्चे, सीएमबीबी के बच्चे, सीबीजेड के बच्चे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम आपको एक 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से 20 बच्चों को एटीकेटी और 12 बच्चों को फेल और 12 बच्चों को पास कर दिया गया है। ये कैसा रिजल्ट घोषित कर रहे हैं कॉलेज वाले, इस विषय को लेकर हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि 2 महीने से कॉलेज बंद था, उसके बाद भी यहाँ पे मरम्मत नहीं की गई है। आप सभी देख रहे होंगे कि जगह जगह की छत से पानी छू रहा है, बच्चों को बैठने की जगह नहीं है और कल परसों के दिन, सैटरडे के दिन जूलॉजी डिपार्टमेंट की छत गिर गई। उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर बच्चे वहाँ बैठे होते, अगर बच्चों को कुछ हो गया होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और हमने इनसे मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी एक स्पेशलिस्ट कमेटी बनाई जाए, जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, कॉपियाँ खुलेंगी और हम देखेंगे कि बच्चों को किस नंबर, किस बेस पे एक एक नंबर दिया गया है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। क्या आश्वासन मिला आपको? हमको अभी इन्होंने कहा गया है कि हम जल्द से जल्द कमेटी बनाएंगे और हम जल्द से जल्द आपको बताते हैं ये सब कुछ। और हमने ये भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी नहीं होगी 72 घंटों के अंदर, तो हम तालाबंदी करेंगे और हमारी मांग पूरी करवाएंगे इनसे। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।